अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी, जॉयफुल जर्नी टूर से। ये हनीमून टूर लीड कर रहा था इधर का नारायण का, 6 डेज का ये टूर था। और आज नारायण यहां पे बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं होटल्स वगैरह। ये अरशद भाई हैं जो जिस होटल में हम स्टे देते हैं, इस होटल के मैनेजर हैं। और ये भी आज होटल क्लोज कर रहे हैं, होटल का आज लास्ट डे है, क्योंकि इन्होंने परसों ही होटल क्लोज कर देना था क्योंकि बर्फ़बारी होने वाली है। आज बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश सुबह से हो रही है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, किसी टाइम भी यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये परसों ही अपना होटल बंद कर रहे थे क्योंकि मैंने इनको कॉल की थी कि हमारे 3 टूर्स नारायण आज पहुँच रहे हैं, तो इस वजह से फिर इन्होंने 2 दिन डिले किया और होटल खुला रखा। अभी हमारे जो रूम्स हैं, जितने भी हमारे टूर्स हैं, वो यहाँ से चेकआउट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होने वाली है। तो इसलिए फिर इन्होंने ये देखें, ये होटल वगैरह क्लोज कर रहे हैं। देखें यहाँ पे नारायण में होटल की क्लोजिंग कैसे होती है। ये साल में तकरीबन 6 महीने ये होटल्स बंद रहते हैं। ये जितने भी शीशे वगैरह थे, ये रिसेप्शन है, ये देखें इसके आगे इन्होंने लोहे की ये चादरें वगैरह लगा दी हैं ताकि बर्फ़ की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि शीशे वगैरह और ये जो दरवाजे वगैरह हैं, इन्हें नुकसान ना पहुँचे। ये जितनी भी चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा देते हैं। ये क्लाइंट्स हैं, मेरे साथ हनीमून टूर था, आज लास्ट डे है इसका। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से आज हम जा रहे हैं यहाँ से, वापस बाहर चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बाज़ार के हालात दिखाता हूँ, बाज़ार भी काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। फिर बाहर चल के दिखाता हूँ आपको बाहर के क्या मामला आते हैं इस टाइम। अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और नंबर आउट ऑफ कवरेज होने की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन आज की प्रेडिक्शन है मैक्सिमम कि यहाँ पे स्नोफॉल की है पूरा दिन। और अगर आज स्नोफॉल हो जाती है तो फिर ये नारायण मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये बंद हो जाएगा। रश आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह के टाइम पर नारायण बिल्कुल फुल होता है। इन जगहों पर चलना और गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं और लोग बिल्कुल भी रोड पे नज़र नहीं आ रहे। और ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम दुकानें वगैरह यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, ये लोग यहाँ से बंद करके निकल चुके हैं। साल में तकरीबन 5 से 6 महीने बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर कोई इंसान, कोई परिंदा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। बहरहाल जैसे ये खुलता है तो उसके बाद हम नारायण के टूर्स हम भी स्टार्ट कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सीज़न हम फिर ये नारायण पे आना जाना हर हफ्ते लगा ही रहता है क्योंकि बैक टू बैक टूर्स होते हैं हमारे। और अभी चूँकि नारायण बंद होने वाला है तो इसलिए मुमकिन उम्मीद तो यही है कि ये हमारा लास्ट टूर होगा, इसके बाद शायद हमारा कोई भी टूर नारायण ना आए। इसके बाद हम कश्मीर और स्वात के टूर्स वगैरह निकालना शुरू हो जाएंगे। नारायण फिर इंशाल्लाह जैसे ही आगे ये खुलेगा इंशाल्लाह मार्च में या अप्रैल में, और जैसे ही नारायण खुलेगा तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद आपको दोबारा नारायण के मामलात और यहाँ की कंडीशन वगैरह दिखाएंगे। बहरहाल यहाँ के नारायण के रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनके 2 ठिकाने होते हैं, एक तो ये नारायण में रहते हैं और दूसरा सर्दियों में ये मंसर है एबटाबाद कागान, और इस साइड पर निकल जाते हैं क्योंकि इन जगहों पर 15 फीट से ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और ये इलाके बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं। गाड़ियाँ वगैरह बिल्कुल कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं यहाँ से हिजरत कर जाते हैं, और फिर जैसे ही वापस सीज़न शुरू होता है मार्च के बाद, तो ये लोग वापस ये नारायण वाली साइड का रुख करते हैं। फिर यहाँ पे ये 5-6 महीने 7 महीने यहाँ पे अपना कारोबार वगैरह करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वापस बर्फ़ पड़ती है तो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। बहरहाल साल में ये 2 जगहों पर रहते हैं, एक तो नारायण में और दूसरा ठिकाना इनका जो सर्दियों वाला होता है मंसर एबटाबाद, ये साइड पे जहाँ भी है, हर किसी की अपनी अपनी जगह होती हैं, नीचे वाली साइड पे भी, तो वहाँ पे भी जाके ये लोग यहाँ से हिजरत कर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक जा रहा है, इसके ऊपर ये सामान वगैरह और हर चीज़ रखी हुई है क्योंकि ये लोग अपने घरों का सामान यहाँ से और अपने माल मवेशी यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं नीचे वाली साइड। मैं जी कैसे तसरात हैं आपके नारायण के बारे में? नारायण में आपने नाइट स्टे किया, सफरी वगैरह ज़्यादा तो नहीं लगी, और क्या मामला था? मुझे बहुत अच्छा वेदर लगा, दूसरी बात ये बहुत मज़ा आया रात में शॉपिंग में। शॉपिंग के दौरान बारिश मिली हमें और उसके बाद जो ठंड का मज़ा था बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, होटल वगैरह कम्फर्टेबल था? होटल बहुत अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, मज़ा आया, सब चीज़ें बहुत कम्फर्टेबल थी। चलिए थैंक यू।
नारान से पहले बाबूसर टॉप क्लोज हो जाता है, लिहाजा अगर आप हुंजा वगैरह का या स्कर्दू वगैरह का टूर करना चाहते हैं तो आप नारान वाली साइड से, बाबूसर टॉप वाली साइड से हुंजा या स्कर्दू नहीं जा सकते। अगर हुंजा या स्कर्दू आप जाना चाहते हैं तो आपको KKH से जाना होगा बिशाम वाली साइड से। अब सर्दियों में इंशाल्लाह हमारे स्वात और कश्मीर के टूर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच।